करेंगे। लोकसभा चुनावों में मिली हार पर मंथन किया जाएगा, उसके कारणों पर विचार किया जाएगा, संगठन को मजबूत करने की और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे ओम प्रकाश चौटाला। तो 14 दिनों की फरलो पर बाहर आए हैं तिहाड़ जेल से ओम प्रकाश चौटाला और इन 14 दिनों का वो पूरा सदुपयोग कर लेना चाहते हैं। तमाम क्षेत्रों में, कई हलकों में पहुंचकर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वही विधानसभा चुनावों पर अब तमाम राजनीतिक दलों का हरियाणा में फोकस है और इसीलिए अब लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक जीत के बाद अन्य विपक्षी दलों के लिए विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। तो अब इसीलिए अभी से ही मैदान में उतर चुके हैं सभी राजनीतिक दल और ओम प्रकाश चौटाला भी कार्यकर्ताओं को साधने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो चलिए फतेहाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र मोगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला। जी जितेंद्र, तो चलिए तकनीकी खामी की वजह से जितेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुई हार पर आज मंथन होगा और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारी की जाएगी। में आज ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सिरसा में कुछ देर में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, इसके बाद फतेहाबाद में भी एक बैठक करेंगे ओम प्रकाश चौटाला।